हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है क्योंकि 69,000 भर्ती का फैसले के तारीख निर्धारण हो गया है। आइए हम देखते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए कंप्लीट वीडियो जो आपके सामने मैं लेके आया हूँ कि फैसला 29 मार्च को आने वाला। आइए देखते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि हमारे सामने यह स्क्रीन शॉट मैंने लिया है, यह कोर्ट नंबर 23 पर जो इसका काउंटर फॉर डेली कॉल लिस्ट होती है उसकी फाइल आ गई है। और हमारा जो फैसला है, हमारा फैसला 29 मार्च को आएगा। जो 69,000 भर्ती का जो मैटर है, जो 69,000 भर्ती का मैटर है, 69,000 भर्ती के मैटर पे चौहान राजेश सिंह चौहान जो हमारे चीफ ऑनरेबल जस्टिस हैं, उस पर फैसला देंगे। यह फैसला 10:15 पे 10:15 पे आएगा। देखिए, कोर्ट नंबर 13 पे हमारी सुनवाई है। ऑनरेबल जस्टिस राजेश सिंह चौहान फ्रेश सर्विंग रिट पिटीशन लिमिटेड, और जो इसमें जो है 1 जनवरी जो चल रहा था रिट पे, फॉर डिलीवरी द जजमेंट, जो डिलीवरी की जो जजमेंट की तारीख है वो फिक्स हो चुकी है। वह तारीख जो है, आप लोग ध्यान दीजिए, वह तारीख 29 मार्च को हमारा फैसला आएगा। फैसला जो भी हो, या 60-65 हमारा जो कट ऑफ 60-65 रहे या न रहे, इस पर जो भी हो, आई होपफुल कि 60-65 ही रहेगा। जितने मुझे पता है, कट ऑफ सरकार कम नहीं करेगी ना ही जज, क्योंकि वो अपने जगह पर नियम पे सही है, क्योंकि एक गुणवत्तापरक टीचर की बात हो रही है। देखिए, मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फैसला जो भी है 60-65 रहने की उम्मीद ज़्यादा है। अब देखिए, जो फैसला है, मोहम्मद रिजवान अदर्स के बीच और स्टेट वर्सेस में जो फैसला चल रहा है उसका जजमेंट की तारीख हो आ गई है, और यह फैसला 29 तारीख को आ जाएगा। 29 तारीख के बाद जो भी प्रक्रिया होगी, अब सरकार आगे बढ़ाएगी, जो फैसला आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा 69,000 का भविष्य निर्धारित होगा। इस भर्ती में आगे अब होगा क्या? अब यह 60-65 पे आता है कि यह फैसला शिक्षा मित्रों के पक्ष में जाता है जिसमें कटअप कम करने की बात कही गई है। जहाँ तक मेरी उम्मीद है और संभावना यह बन रही है कि जो फैसला हमारा है 60 और 65 पर ही आएगा, कि इसमें मेरिट ना कम करते हुए 60-65 भी किए जाए। और नो डाउट जितने भी लोग पास हैं इसके अंतर्गत, जितने भी लोग पास हैं वो सबका चयन हो जाएगा। जितने भी एक जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पा रहे हैं वो सबका चयन होगा। और यह हमारी न्यूज़ थी, और मैं इसके बाद वेरिफिकेशन की वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कौन डॉक्यूमेंट लेंगे और वेरिफिकेशन की तारीखें क्या होंगी। इस वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल के रेड बटन को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइटन को प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो मिल सके। और आप हमारे कॉमेंटों में ज़रूर बताएँ कि फैसला किस पर आने के ज़्यादा चांसेस हैं और आप क्या चाहते हैं, किस पक्ष में हैं। ठीक, और आप लोग यह ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।